नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमारे त्वचा में कुछ असामान्य बदलाव आते हैं, तब यह संकेत होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर चल रही है। पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, ऑयली स्किन, डार्क स्किन, पिगमेंटेशन, ड्राई स्किन, त्वचा पे किसी भी तरह के दाग धब्बे या छाइयां, ये सारी प्रॉब्लम आजकल सामान्य हो चुकी हैं और हर 5 में से एक व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। अगर आप भी अपने त्वचा से संबंधित किसी भी बीमारी का सामना कर रहे हैं और हर तरह के प्रयास के बाद भी आपको कोई खास परिणाम नहीं मिल रहे हैं, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। और हाल ही में एक साइंटिफिक रिसर्च से पता लगा है कि हमारी त्वचा से जुड़ी 90% तक समस्याएं पूरी तरह से ठीक की जा सकती है, वो भी केवल घरेलू आसान नुस्खों के साथ। इनकी खास बात ये है कि इन्हें करने में रोजाना कुछ मिनटों का ही समय लगता है। किसी भी प्रॉब्लम को आजकल बाहरी तरीकों से ठीक करने की कोशिश की जाती है। जब पुराने समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी, तब शरीर से जुड़ी हर तरह के प्रॉब्लम को अंदर से ही ठीक किया जाता था। हमारे चेहरे और शरीर की त्वचा कई परतों से मिलकर बनी हुई होती है। जितनी पतली ये हमें बाहर से नजर आती है, उससे 15 गुना मोटी ये अंदर से होती है। जब भी हमारा स्वास्थ्य किसी भी तरह से खराब होता है, तब इसका असर हमारी त्वचा पर भी दिखाई देने लगता है। सभी चीजों से जितनी ज्यादा हमारी बाहर की त्वचा प्रभावित दिखती है, इससे कई गुना खराब ये अंदर से हो चुकी होती है। इसलिए जब भी हमारे शरीर के बाहरी त्वचा पर पिंपल्स, रेडनेस, खुजली, रैशेस, ड्राई पैचेस और एज स्पॉट्स इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, तो इसकी शुरुआत अंदरूनी त्वचा से ही होती है। क्या यह संभव है कि इस तरह की स्किन प्रॉब्लम का कोई एक ही समाधान हो? तो इसका जवाब है हाँ, हाँ बिल्कुल संभव है। तो जरूरत है अपने स्किन प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदलने की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी खाई जाने वाली चीजें हैं जिन्हें रोजाना अपने डाइट में शामिल करने पर न केवल आप अपने स्किन को एक साफ और स्वच्छ दिखने वाली त्वचा में बदल पाएंगे, बल्कि अपनी त्वचा और छूने महसूस करने में भी कमाल का फर्क देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि ये सभी चीजें हमारे शरीर पर कैसे काम करती हैं। हमारे शरीर के पाचन तंत्र में लगभग 2500 अरब माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु से 9 गुना ज्यादा है। सरल भाषा में समझा जाए तो शरीर में पाए जाने वाले यह जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हमारे लिए अच्छे होते हैं और दूसरे जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अच्छे माइक्रोब्स मदद करते हैं हमारे भोजन को पचाने, शरीर के जख्मों को भरने और हमारे द्वारा ली जाने वाली सांस को स्वच्छ बनाने में, और दूसरी तरफ वही माइक्रोब्स हमारी सेहत से त्वचा में होने वाली समस्याएं और गंभीर होती जाती हैं। हर व्यक्ति के शरीर में इन दोनों माइक्रोब्स का होना बहुत ही जरूरी होता है, ये सामान्य बात है। दोनों ही प्रकार के माइक्रोब्स का होना बहुत सामान्य बात है, लेकिन हम ऐसी चीजें ज्यादा खाएं जो कि हमारे शरीर में बुरे जीवाणुओं की मात्रा बढ़ावा दे, तब हमारे शरीर में ऐसे कई तरह की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, जिसमें कि मोटापा, त्वचा से संबंधित रोग, पेट और दिमाग की प्रॉब्लम, तनाव जैसे गंभीर समस्याएं भी शामिल हैं। इसलिए हम अपने रोजाना डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जो कि हमारे बॉडी में मौजूद अच्छे जीवाणुओं की मात्रा को बढ़ाएं। हमारा पाचन अच्छा रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, हमारी त्वचा हमेशा साफ रहेगी और हर वक्त शरीर में एक अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। अच्छी सेहत के लिए हमें हर तरह के पोषक तत्व की जरूरत होती है, लेकिन बॉडी में अच्छे जीवाणुओं की मात्रा बढ़ाने के लिए पॉलीफेनॉल्स नामक तत्व सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यह तत्व हमारे शरीर के बुरे माइक्रोब्स को खत्म ही नहीं करते, बल्कि अच्छे माइक्रोब्स की मात्रा को बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी सेहत अच्छी होती है और त्वचा से संबंधित गंभीर से गंभीर बीमारी में भी फायदा नजर आने लगता है। तो चलिए बात करते हैं उन सभी चीजों से मिलकर बने पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी लौंग, सौंफ, हल्दी और चक्री फूल की। चक्री फूल का इस्तेमाल उसकी खुशबूदार फ्लेवर की वजह से ज्यादातर गर्म मसालों में ही किया जाता है, लेकिन ये हमारे दिमाग और त्वचा के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, जो कि हमारी त्वचा पर से झुर्रियों को हटाते हैं और उन्हें आने से भी रोकते हैं। रोजाना इसका सेवन करने से हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छी तरह एनर्जी बनी रहती है और रात के समय
काम उत्तेजना यानी कि सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी यानी कि सौंफ 100 ग्राम सौंफ में एक चम्मच हल्दी और 10 से 15 लौंग मिलाएं और इसके बाद उसमें 2 से 3 चक्री फूल डालकर मिक्सर में मिलाकर उनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाते समय ध्यान रहे कि इनका हमें बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, यानी कि इसे हमें थोड़ा दरदरा ही रखना है, ताकि पानी में मिलाने के बाद इसे चाय पत्ती की तरह छान करके इसे अलग किया जा सके। इसके बाद एक गिलास पानी को पूरी आंच पर अच्छी तरह से बॉयल करें। जब इसमें उबाल आने लग जाए तो इसमें एक चम्मच तैयार पाउडर को डालकर गैस को बंद कर दें और उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे छान कर इसका सेवन करें। इसमें हमने सौंफ की मात्रा ज्यादा रखी है क्योंकि सौंफ हमारे शरीर को ठंडा करती है और इसमें मौजूद हल्दी, लौंग, चक्री फूल हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। इस तरह से ठंडी और गर्म दोनों चीजों को मिक्स करने पर यह एक पूरी तरह से बैलेंस ड्रिंक बनती है, जो कि हमारे शरीर को न ठंडा करेगी और न ही गर्म। और अगर आपको इससे गर्मी होती है तो इसे आप और ठंडा बनाने के लिए इसमें रोजमेरी को भी मिक्स कर सकते हैं। सूखे हुए रोजमेरी के पत्ते किसी भी सुपरमार्केट में आपको कम दामों में ही मिल जाएंगे और अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। रोजमेरी के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका रोजाना इस्तेमाल करने से त्वचा पर मौजूद पुराने से पुराने दाग धब्बे पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, इसलिए इसका भी इस ड्रिंक को बनाने के लिए जरूर इस्तेमाल करें। इस ड्रिंक को रोजाना शाम के समय खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद पिया जा सकता है और इसका सेवन हमें दिन में केवल एक ही बार करना है। इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए जो पाउडर हमने बनाया था उसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके 20 से 30 दिन के लिए रख लें। इसमें मौजूद लौंग और सौंफ के इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसका सीधा असर हमारी अंदरूनी त्वचा के अंदर सीधा होता है। इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में मौजूद सारे बुरे तत्वों को साफ करने में मदद करती है और हमारी त्वचा के साथ साथ हमारे बालों के सेहत भी लंबी बनाती हैं। दोस्तों, यह ड्रिंक इतनी असरदार है कि शुरुआत के केवल 15 दिनों के अंदर आपको अपने शरीर के अंदर एनर्जी, पेट की चर्बी और स्किन में एक कमाल का फर्क नजर आएगा। अगर आप इसे गर्म नहीं पीना चाहते, इसे ठंडा होने के बाद भी पिया जा सकता है। इसके अलावा आप एक हेल्दी जूस को भी रोजाना डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में पॉलीफेनोल्स की मात्रा को तेजी से बढ़ाएगा। इसके परिणाम स्वरूप स्किन से जुड़ी बड़ी से बड़ी बीमारियां कम समय में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी पालक, मटर, नींबू, सेब और करेले की। करेले की मात्रा इसमें हम बहुत ही कम रखेंगे क्योंकि इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसके कड़वेपन को कम करने के लिए हम इसमें सेब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें इस नुस्खे को सेब और करेले के बिना भी तैयार कर सकते हैं। करेला सेहत का भंडार है। जो लोग भी करेला ज्यादा खाते हैं उन्हें कभी भी त्वचा से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं होती हैं। करेले के अंदर पॉलीफेनॉल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये हमारे लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करती है और त्वचा पे मौजूद पुराने से पुराने दाग धब्बों को और पिंपल्स को खत्म करने में ये सबसे ज्यादा असरदार होता है। इसे बनाने के लिए मिक्सर में 1 कटोरी पालक, 1 कटोरी मटर और 1/2 कटोरी करेले बीज निकाल कर डालें। इसके बाद इसमें 1 कटा हुआ सेब, 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका जूस तैयार कर लें। इस तैयार जूस को छान कर या बिना छाने किसी भी तरह से पिया जा सकता है। इस जूस में मिलाई गई सारी ही चीजें अपने आप में एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन की तरह है, क्योंकि इसमें मटर एक सीजनल वेजिटेबल की तरह है, इसलिए जब भी मटर का मौसम हो तभी ताजे मटर का इस्तेमाल करें। मटर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका रोजाना इस्तेमाल करने से यह हमारी त्वचा में झुर्रियां और अधिक उम्र में आने वाली त्वचा से संबंधित सभी तरह की दिक्कतों से दूर रखता है। जिन लोगों के चेहरे पर दाग धब्बे या पिंपल्स हैं, उन्हें मटर रोजाना खाना चाहिए। सारी चीजों से मिलाकर बनाई गई ये जूस हफ्ते में 3 से 4 बार पिया जा सकता है। यह जूस हमारे शरीर के उन कमियों को पूरा करता है जो कि हमारी त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में बाधा पैदा करते हैं। अगर आप इस जूस को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं तो इससे न केवल आपके शरीर में त्वचा को फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी, बल्कि हमारा शरीर भी उम्र भर तक बीमारियों से दूर रहे, क्योंकि यह जूस हमारे खून में मौजूद सारी गंदगी साफ कर देता है। और जिस इंसान के शरीर का खून पूरी तरह स्वच्छ रहता है उसकी त्वचा
बिना किसी क्रीम या नुस्खे का इस्तेमाल किए बिना एनी टाइम नेचुरल ग्लो करती रहती है। इसके अलावा ग्रीन टी भी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। हालांकि इसका असर धीरे धीरे हमारी त्वचा पर दिखना शुरू होता है, लेकिन विश्वास माने कि रोजाना एक कप ग्रीन टी कितने अधिक फायदे पहुंचा सकती हैं, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होगा। आजकल मार्केट में कई तरह के ग्रीन टी मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार प्लेन ग्रीन टी ही है। इसमें किसी भी तरह का फ्लेवर इस्तेमाल नहीं किया गया है। ग्रीन टी सीधे हमारे शरीर के कॉम्प्लेक्शन पर असर करती है, जिसे कि देखते ही देखते हमारा रंग साफ होते जाता है। इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो कि त्वचा के दाग धब्बे और कालेपन को तेजी से ठीक करते हैं। कई बार जो लोग अपना वजन घटाने के लिए ग्रीन टी पीना शुरू करते हैं और उसे लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो वजन कम करने के साथ साथ उन्हें अच्छी स्किन भी मिल जाती है। क्या आप यह जानते हैं कि हमारी त्वचा के ऊपरी सतह पर मौजूद कोशिकाएं हर 3 महीने में 90% तक बदल जाती है? जी हाँ, हर 3 महीने में हमारे पुराने शरीर पर से स्किन हटकर और एक नई स्किन चढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी त्वचा झुर्रियों की वजह से बूढ़ी क्यों दिखती है? वो इसलिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर की नई त्वचा बनाने वाली शक्ति कमजोर होती जाती है। लेकिन अगर हम अपनी त्वचा को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पहुंचाते रहेंगे तो लंबे समय तक हमारी स्किन या त्वचा जवान बनी रहेगी और हमारी त्वचा को देखकर कोई भी इंसान हमारी उम्र का पता नहीं लगा पाएगा। आज की इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें एक अच्छी सेहतमंद त्वचा पाने के लिए जरूरी सारी पोषक तत्वों का भंडार है। लेकिन अच्छे परिणाम के लिए इन नुस्खे के साथ साथ एक सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जितनी भी चीजें जिनमें लैक्टिन की मात्रा ज्यादा होती हैं, ऐसी चीजें कम से कम खाएं, क्योंकि लैक्टिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को धीमा करता है, जिससे कि किए गए सारे नुस्खों का असर खत्म हो सकता है। राजमा, सोयाबीन या उससे बनी हुई चीजें, व्हाइट ब्रेड, आलू या बैगन, इस तरह की जितनी भी बादी पैदा करने वाली चीजें होती हैं, उनमें लैक्टिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इनका अधिक सेवन करने से हमारे शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके लिए इनका कम से कम इस्तेमाल कर आज के इस वीडियो में बताई गई चीजें आपको अच्छी स्किन के साथ साथ अच्छी एनर्जी भी प्रदान करेंगे, क्योंकि अच्छी एनर्जी अच्छी त्वचा के लिए बहुत जरूरी होती है। इंसान के शरीर के अंदर उसकी नेचुरल एनर्जी ही इतनी अधिक होती है। असल में हमें इसके लिए किसी भी चाय या कॉफी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पोषक तत्वों की कमी के कारण उम्र के साथ साथ कमजोर होने वाले एनर्जी उम्र से पहले ही कमजोर होने लगती हैं। अगर आप इन नुस्खों को बनाने के लिए कुछ चीजें अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो जो चीजें आपको आसानी से मिल जाएं, उतने ही चीजों से आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।